अगला प्रश्न है 31, विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रचित हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, दो भागों में विभाजित है ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत। आपको याद रखना है कि किसका रचना यह ग्रंथ है, तो ये हो जाएगी विश्वनाथ प्रसाद की रचना। ठीक है, अगला प्रश्न है आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को अंधकार नाम दिया था डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ के द्वारा। जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है ये सर्वाधिक विवादित है, इसके ऊपर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने इसे नाम दिया था वीरगाथा काल। इसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे नाम दिया था बीज वपन काल, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसे आदिकाल नाम दिया गया था, और जो कमल कुलश्रेष्ठ हैं इन्होंने इसे अंधकाल काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने किया था? तो आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो जो राहुल सांकृत्यायन थे, कई बार पूछा जाता है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो ये सरहप्पा को इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना था। इसके पश्चात प्रश्न है आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी? तो आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा दी थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है, और जो वीरगाथा काल कहा गया था तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न है 35, मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? तो ये जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, इसमें खंड है 4। अगला प्रश्न है 36, किसे छप्पे का राजा कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा जो छप्पे का राजा कहा जाता है चंद्रप्रदाई को, और जो चंद्रप्रदाई है इन्होंने पृथ्वीराज रासु नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है 37, देवसेन द्वारा रचित श्राव का चार रचना का समय 933 ईस्वी माना गया है, और इसमें 250 दोहे हैं, और जो ग्रंथ है ये इसमें किस धर्म का जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर जो धर्म होगा तो ये होगा श्रावक का, गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको दो तीन प्रश्न बन सकते हैं। पहले तो पूछा जाएगा कि जो श्रावकाचार है किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। इसके पश्चात इसका समय क्या है? 933 ईस्वी है। और अगला प्रश्न है इसमें कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं। इसके पश्चात है श्रावकाचार को हिंदी या हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है 38, बिसलदेव रासो पूर्णतः नहीं है, यह अधूरी रचना प्राप्त है। प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना पूर्णतः प्राप्त नहीं है, अधूरी ही प्राप्त है? तो ये हो जाएगी बिसलदेव रासो। आगे है 39, रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ मानते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, अधिकतर विकल्प में रामचंद्र शुक्ल दिए जाते हैं, तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः जाली ग्रंथ माना है? तो ये होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है 40, बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? तो जो बिसलदेव रासो की नायिका होगी ये राजमती होगी। आगे है 41, आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के श्रृंगारिक कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। इसके पश्चात है परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि जो परमाल रासो है इसका प्रधान रस कौन सा है? तो परमाल रासो का प्रधान रस वीर रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर और इसके सहयोगी रस श्रृंगार है। तो ये भी पूछा जाता है, जैसे जो अधिकतर रासो ग्रंथ है ये वीर रस प्रधान होंगे, सहायता करने के लिए इसमें श्रृंगार इत्यादि रस भी जोड़े गए हैं। अगला पॉइंट है आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था जो आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रहेगी या रस रहेगा तो ये वीरगाथात्मक रहेगा। अगला प्रश्न है रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? जो चंद्रप्रदाई थी इन्होंने इसे आधा छोड़ दिया था, और फिर इसकी आगे की रचना किसी अन्य विद्वान के द्वारा की गई है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा विद्वान है।
अगला प्रश्न है 46, तो इसमें पूछा गया है डॉक्टर बुलर सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित करते हुए 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। तो ये भी बनता है प्रश्न, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी, तो ये लगा दी थी आपके डॉक्टर बुलर के द्वारा, और ये भी इसे जाली ग्रंथ मानते हैं। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई है। अगला है 48, अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है संध्या भाषा या संध्या भाषा। तो जो संध्या भाषा है इसे सिद्ध कवियों के द्वारा अधिकतर प्रयोग में लाया गया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है 49, सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तक भी माना जाता है। पूछा जा सकता है कि जो सहजयान का संबंध किस संप्रदाय से रहा था, तो सिद्ध संप्रदाय से सहजयान का संबंध रहा था और इसके प्रवर्तक थे सरहप्पा। आगे है 50, धनपाल कृत भविष्यत कहा को विंटर नीतिज महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य माना था। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न तो ये बनता है कि जो भविष्यत कहा किसकी रचना होगी, धनपाल की रचना होगी ये। अगला है 51, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ उद्योतन सूरीकृत कुवल्यमाला कहा है। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि जो कुवल्यमाला कहा है किसकी रचना होगी, उद्योतन सूरी की होगी, और ये गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध होता है। आगे है बिसलदेव रासो मुक्तक काव्य है, तो ये भी पूछा जाता है कि बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है, तो ये मुक्तक काव्य है। अगला है 53, राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो के छंदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 57, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, ये कथन किसका होगा, तो ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है 58, भाषा सर्वेक्षण के रचयिता कौन है, तो जो भाषा सर्वेक्षण नामक ग्रंथ है इसके रचनाकार हो जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है 59, पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के ग्रंथों में लिखा गया है, तो जो पृथ्वीराज रासो है ये 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है इसमें समय या सर्गों की कितनी संख्या है, तो 69 है। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे जिंदत सूरी।